एतमादपुर में हाईवे पर मंदिर के पास पुरातत्व विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। लोगों का आरोप, पुरातत्व विभाग की जमीन पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष करा रहे हैं कब्जा। खबर एक्सपर्ट ने जांच पड़ताल की तो कब्जा करा रहे वकील ने बताया कि जमीन कहाँ है बैनामा, NHAI की जमीन पर कैसे हो रहा है कब्जा, जबकि गुलाब शहरा ले चुके हैं NHAI से मुआवजा। प्रशासन जुड़ा है G20 के सदस्यों की मेहमान नवाजी में, तब तक जमीन पर हो रहा है कब्जा। दरअसल आगरा के एतमादपुर NH2 हाईवे पर मंदिर के पास पुरातत्व विभाग की जमीन पर प्रधान संगठन अध्यक्ष मुकेश बघेल अपनी पत्नी के नाम से बैनामा दिखाकर कब्जा कर रहे हैं, जबकि लोगों का आरोप है कि गाटा संख्या 6 की जमीन NHAI पहले ही जमीन का मुआवजा गुलाब शहरा को दे चुकी है, लेकिन भूलवश रेवेन्यू रिकॉर्ड में गुलाब शहरा का नाम चल रहा था। वहीं लोगों का कहना है कि फर्जी बैनामा कराकर कब्जा करवाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि गुलाब शहरा का पहले मुआवजा NHAI द्वारा दिया जा चुका है, अब ये अवैध रूप से जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं जब खबर एक्सपर्ट ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो खड़े होकर कब्जा करवा रहे युवक ने अपने आप को वकील माधव बताया और अपने आप को मुकेश का भाई बता रहा था। उसने बताया कि गुलाब शहरा की जमीन है, इसमें लता पत्नी मुकेश कुमार के नाम से 1 फरवरी 2023 को खरीदा गया है, अतः इसके बाद कब्जा किया जा रहा है और उसका बैनामा हमारे पास है, जबकि जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। जब खबर एक्सपर्ट ने उप जिलाधिकारी एतमादपुर से इस संदर्भ में जानकारी की तो उनका कहना था कि इस मामले में जानकारी की जा रही है और कल जांच पड़ताल की जाएगी। क्या करते हैं आप? ठीक है, आप वकील हैं? मुकेश प्रधान। अच्छा अच्छा, तो ये किससे लिया उन्होंने? ये लिया था निखिल सहरा है। अच्छा, सहरा सनो अशोक सहरा। ठीक है, कब लिया है उन्होंने ये? 1 फरवरी है। अच्छा, 1 फरवरी। वैसे अगर देखा जाए तो पुरातत्व विभाग से 100 मीटर की परिधि में कोई भी मकान बन नहीं सकता, वो अवैध माना जाता है। ये पुरातत्व विभाग ये आपके पीछे है और बनवा रहे हैं आप, तो किसी की परमिशन है? मैं आपको बताऊँ जी, ऐसा है पुरातत्व के कोई तो 500 मीटर बताता है, कोई 100 मीटर बताता है। मेरा सामने प्लॉट पड़ा हुआ है, मेरी 143 हुई है, 143 का मतलब होता है आप अपना निर्माण कार्य बना सकते हैं। ठीक है, वो भी उसी परिधि में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रेलवे लाइन गई है, वो 500 से भी कम परिधि में आई है। ठीक है, ठीक है, सारे मकान बने हुए हैं। ठीक है, आते हैं अपना रिपोर्ट लिख के ले जाते हैं, यदि अवैध होगा तो टूट जाएगा, अवैध होगा तो बना रहेगा। इसलिए इसमें लोगों का आरोप हो रहा है कल से जा रहा है कि अवैध तरीके से इसे घेरा जा रहा है, तो लिहाजा इसका प्रधान जी ने कब बैनामा कराया और कब आप बैनामा? तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जमीन पड़ी हुई होती है तो उसके बाद कोई निर्माण कार्य करता है, तो बाद में कोई शंका का तो इससे बढ़ी है। हाँ, वो तो हैरान को देखता रहे कैसे कहीं पड़ी हुई है, ऐसे क्या है? कभी कभी देखा होगा आपने, काफ़ी समय से गड्ढे पड़े हुए हैं, जब उनके बैनामे निकले, ऐसे टूल्ला में नाला है कुंडली में, वो जमीन भी स्कीम की थी लेकिन वो काफ़ी गहरे गड्ढे थे। जब उन्हें पता चला धीरे धीरे किसकी जमीन है, किसकी जमीन है, और मैंने अगर कुछ लोगों ने झोपड़ियाँ वगैरह डाल दी, अब उसका भाई जिसका था उसकी निकली हुई बढ़ गई। अच्छा, कितनी जगह होगी उसकी दुकान जी की? लगभग उसमें 30x40 लिखा है मैंने, उन्होंने 30x40 मुझे बता रहा हूँ। हाँ, ये 30 पूरा से पश्चिम 30 फुट है, उत्तर से दक्षिण 40 फुट, 30x40 यानी 30x40। अब काफ़ी ज़मीन है उनकी, काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी ज़मीन का 100 रुपये से थोड़ी सी ज़्यादा है, 700 रुपये उन्होंने अभी बैनामा कराया। 111 वर्ग मीटर है।